गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर शुक्रवार को गोपुत्र सेना, गो सेवा दल एवं भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट ने कलेक्टोरेट में तहसीलदार अजय हिंगे को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। तीनों संस्थाओं के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार अजय हिंगे को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भारतीय संस्कृति की मूलधारा भारतीय गौ माता के समस्त वेद पुराणों शास्त्रों में अनंत महिमा बखान की गई है। भारतीय गोवंश भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है। आधुनिक काल में गाय का गोबर विशिष्ट ईंधन, डीजल, पेट्रोल के विकल्प, बायोगैस, जैविक खाद तथा कई तरह के उपयोग में लिया जाता है। वहीं दूध दही भी वैज्ञानिक आधार पर A2 की श्रेणी में सबसे उत्तम दर्जा माना जाता है। ज्ञापन में बताया गया कि शास्त्र अनुसार भारतीय गोमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए गोमाता संपूर्ण सनातन में आस्था का प्रतीक माना गया है। ज्ञापन सौंप गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की गई। मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट ने आज गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के संदर्भ में यहाँ ज्ञापन दिया है, जिसमें भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट नीमच जिले की पूरी कार्यकारिणी और इसके अलावा गौ सेवा दल की पूरी टीम ने मिलकर के यहाँ ज्ञापन किया। क्या मांग करी है को ज्ञापन? मांग ये की है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। जिस तरह से गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का समावेश होता है, उसी तरह से आज भारतवर्ष में कई जगह गौ हत्या और गौ तस्करी की घटनाएं सामने आ रही है। जिस तरह से गाय हमारी माता है, तो प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, ताकि जिस तरह से आए दिन गौ हत्या, गौ तस्करी की घटनाएँ हो रही है, इन पर अंकुश लगाया जाए। आज कौन से संगठन द्वारा आप ज्ञापन दिया? आज गौ सेवा दल जिला नीमच, गौपुत्र सेना जिला नीमच, मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट, तीनों के माध्यम से आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है।